सो ही गाइस, वेलकम टू माय सेकंड वीडियो। और आज मैं आपको शेयर करने वाला हूँ नीडेड इरेजर के बारे में। सो बेसिकली नीडेड इरेजर होता क्या है, ये एक्चुअली एक टाइप का इरेजर होता है। ये देखिए, ये क्ले टाइप में होता है एक्चुअली। और इसका इसका एडवांटेज क्या है कि हम इसको किसी भी, देखिए, किसी भी शेप में और किसी भी तरीके से हम लोग इसको वो कर सकते हैं, शेप में देके हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने लिया था 60 रुपीज़ का, जो कि मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये बहुत ही लचीला होता है, मतलब बहुत ही किसी भी तरीके से इसको हम लोग वीए कर सकते हैं। देखिए, बहुत ही वो होता है, सॉफ्ट होता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे कि अगर आपको पतला सा भी हल्का सा डिटेलिंग में सिर्फ वाइट करना है तो आप वाइट कलर भी यूज़ कर सकते हैं, पर कहीं कहीं पे अगर उसको नहीं करना है तो आप उसको रफ़ भी कर सकते हैं। तो इससे कैसा, अगर आपने इसको ऐसे पतला सा करके शेप में कर दिया, ठीक है, ऐसे ऐसे करके आप रफ़ कर सकते हो। सो ये किसी भी तरीके से हम इसको कर रहे हैं। और ये बेसिकली हम इसको डिटेलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं या और भी अलग अलग जगह पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने कोई पोर्ट्रेट कर रहे हो और वो बहुत काफ़ी ब्लैक डार्क हो गया, तो उसको ऐसे ऐसे करके भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल होता है, क्योंकि ये ग्रेफाइट जो रहता है, चारकोल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और ग्रेफाइट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये ग्रेफाइट बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेता है, अच्छा होता है काफ़ी। एंड ये इरेजर जो होता है, ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। तो जिसके मैंने आपको बताया, पहले ही मैंने बताया कि इसको यूज़ करने में ना आपको बहुत ही कम्फर्ट फील होता है। और कभी भी, मतलब यूज़ करने में इसका अलग ही मज़ा होता है। वो नॉर्मल इरेजर भी आप यूज़ कर सकते हैं, पर ये इरेजर का प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम में एडवांटेज ये है कि आप इसको किसी भी तरीके से शेप में देके उसको आप रफ़ कर सकते हो। स्टार्टिंग में थोड़ा इश्यू होता है फर्स्ट टाइम जब आप यूज़ करते हो, तो जैसे कि अभी फर्स्ट टाइम अगर मुझे हल्का सा डिटेलिंग के लिए जैसे कहीं पर रफ़ करना है, तो बेसिकली अभी समझ लो यहाँ पर, ये समझ लो हमारा ये अगर स्केच है, तो अगर हम लोग ऐसे ऐसे करेंगे ना, तो ये जो रहता है थोड़ा थोड़ा ऐसा वो होने लगता है, तो हमको ऐसा लगता है कि ये यूज़फुल नहीं है। पर ये धीरे धीरे जब आप यूज़ करने लगोगे, धीरे धीरे जब आप यूज़ करने लगोगे तो अपने आप एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो हाथ में बैठ जाएगा, फिर धीरे धीरे आपको यूज़ करने हो जाएगा। मैंने भी फर्स्ट टाइम जब लिया था तो मुझे भी अभी भी ऐसे देखो बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो स्टार्टिंग में मुझे भी लगा कि ये यूज़फुल नहीं हो सकता है, पर ये काफ़ी यूज़फुल होता है। अगर आप पोर्ट्रेट बना रहे हो या कोई भी स्केच बना रहे हो या कोई भी स्केच बना रहे हो, पेंसिल वर्क कर रहे हो और आपको रफ़ करने के लिए डिटेलिंग के लिए पे अगर रफ़ करना है, तो ये काफ़ी यूज़फुल होता है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ, अगर आप पेंसिल स्केच की ड्राइंग कुछ कर रहे हो या पेंसिल ड्राइंग कर रहे हो, तो आप ये ज़रूर ले लेना। लिंक मैंने पहले बोला कि डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, तो वहाँ से आप बाय कर लेना, या लोकल शॉप में भी आप पूछ सकते हो, किसी भी आर्ट शॉप पर वहाँ से आप ख़रीद सकते हो। और फिर मैं आपको अभी ये थोड़ा वीडियो देख लेना आगे का, उसमें मैंने इस थोड़ा सा यूज़ करके बताया कैसे कि इसको कैसे यूज़ करना है। एंड लास्ट फर्स्ट वीडियो जो मैंने डाला था उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था। सो बेसिकली थैंक यू सो मच सब लोग को, जिसने भी सब लोग जो भी देख रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। अभी मेरा कैसा फेस कैम फर्स्ट टाइम या अभी ये सेकंड टाइम है, थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा बोलते ना डर लगता है बोलने को, पर फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। देखो इतना कुछ, इतना सिंपल ही बोल रहा, फिर भी इतना पसीना हो रहा है ना, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। और लास्ट टाइम का वीडियो तो मेरे हिसाब से ठीक ही था, ऑडियो में थोड़ा इशू था, पर इस टाइम में भी ऑडियो में इशू नहीं होगा, क्योंकि इस टाइम मैंने थोड़ा सेटिंग किया था। सो यही, अगर इस टाइम में भी कुछ ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बता देना, और कीप सपोर्टिंग बस। और आगे का मैं आपको यूज़ करना वीडियो दिखाऊँ तो ये वीडियो देख लेना। और यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये एक्चुअली पिक होती है जो कहाँ से आपको लेने का, ये नीडेड दिखता कैसे है, यहाँ पे आपको कहीं शो हो रहा होगा। सो बाकी आप आगे का वीडियो देखो और कीप सपोर्टिंग।